Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा हर साल टारगेट्स दिए जाते हैं महिला और पुरुष बंध्याकरण के लिए, और इसमें ये प्रकाश में आया है कि पुरुष नसबंदी का जो कार्यक्रम है वो अपने ज़िले में काफ़ी पिछड़ रहा है। जो टारगेट्स हमें दिए जाते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने 11 जनवरी को एक NSV सम्मेलन कराया था। तो आज जो नई तकनीक आ गई है, नॉन स्कल्पल वैसेक्टोमी की जो तकनीक है, इसमें पुरुष बंध्याकरण कराने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, कोई कमज़ोरी नहीं होती है। यही बताने के लिए हमने और इसके लिए जागरूकता लाने के लिए सभी ANMs, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी को बुलाया था, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो पूरे ज़िले में जाके मोटिवेटर्स के रूप में कार्य करें। और जो मोटिवेटर अच्छा काम करता है और 50 से ज़्यादा पुरुष बंध्याकरण का टारगेट अचीव करता है तो उसको हमने मोटरसाइकिल देने की योजना बनाई है। 35 बंध्याकरण कराने वाले मोटिवेटर को हम मोपेड देंगे, और इसी तरह से जो 25 का टारगेट अचीव करते हैं उनको LED TV देने की योजना बनाई गई है। तो उद्देश्य यही है कि इस जो ये परिवार कल्याण का जो सब्जेक्ट है ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है। और पुरुष बंध्याकरण में जो हमारा ज़िला पिछड़ रहा है, इसमें हम अपनी जो है उन्नति लाएं, अपना प्रोग्रेस लाएं और आने वाले समय में हम अच्छा काम करके दिखाएं।